हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लास्ट वीडियो में क्या हुआ था। जैसे ही हमारा कंपटीशन ड्रॉ हुआ, हमारे स्कूल में एक मीटिंग रखी गई और गाइस मीटिंग से ये डिसाइड हुआ कि अभी हमारे स्कूल में इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन में ऑब्वियसली स्कूल के स्टूडेंट्स ही वोट कर सकते हैं। तो फिर रॉकी के पापा के कारण सारे वोट्स रॉकी को जा रहे थे, बट फिर मैंने अपने छोटे से दिमाग में बड़े तरीके से सोचा और फिर मैं अपनी सुपर कार के चलते काफी सारे वोट्स खींचने में कामयाब हो गया और अब मामला टक्कर का जा रहा था, लेकिन अभी भी रिजल्ट्स आने में काफी दिन थे। तो चलो अब देखते आगे क्या होता है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट बराबर नंबर ऑफ वोट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो जितने रॉकी के तरफ खड़े उतने ही मेरे तरफ भी खड़े हैं। तो नाउ चांसेस आर वेरी हाई कि मैं भी जीत सकता हूँ, मतलब टक्कर का मुकाबला चल रहा है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ यार, आपने वोट दिया है, वोट देने के बाद कोई भी मेरी गाड़ी चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बस सही सलामत वापस ला देना यार। मास्टर अपना मास्टर प्लान तो निकालो भाई। अच्छा ठीक है, अभी जितने लोग इस लाइन पे खड़े होंगे उनमें से किसी एक को मेरी कार मिलने वाली है फ्री में एज अ गिफ्ट। तो देख लो भाई, जिनको भी यहाँ खड़े हो ना, इधर खड़े होके वोट कर लो। ओके वेल गाइस, रॉकी की लाइन छोटी होगी और मेरी लाइन उससे भी लंबी हो चुकी है। यस, ऐसे में तो मैं जीत जाऊंगा। यस यस, मेरा मास्टर प्लान काम कर रहा है। नाइस कार, देख लो ध्यान से, आप में से किसी एक लकी विनर को ये कार मिल जाएगी, सुपर कार। अरे हाँ हाँ भाई बिल्कुल, तूने वोट किया कैसे नहीं, आराम से जा। वेल गाइस, अब सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा है, लगता है मैं जीतने वाला हूँ। डैडी डैडी, अच्छा हुआ आप आ गए, इतने देर से कहाँ थे डैडी। उधर देखो वो आर्यन जो है ना, उसने अपनी कार के कारण पूरे के पूरे वोट्स ले लिए है दादी। पता नहीं अब हम क्या करेंगे, मुझे लग रहा है कि अब हम हारने वाले हैं दादी। What? You just wait. Let me do something, son. I'll just make few calls. अरे बेटू, कार कब आएगी तुम्हारी? अरे आ रही होगी, जो चिंता क्यों कर रहा है तू, वोट दे भाई। वोट देने के बाद तेरे को ड्राइव करने का मौका मिलेगा, वोट दे तू। ठीक है, लेकिन अगर वोट के बाद कार नहीं मिले तो मुंह फोड़ दूंगा मैं। हाँ इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, वोट दे भाई। ओए चूजे, ढंग से सुन ले मेरी बात। चल भाई, बॉस सुन ली तेरी बात, अब मैं नहीं सुन रहा तेरी बात। ओए तेरे पास एक गाड़ी खे आ गई है, तू अपने आप को रॉकी से बड़ा समझ रहा है चूजे? याद रखना तू कल भी वही था और आज भी वही है, समझ गया ना चूजे, गरीब चूजे, चल निकल। भाई आया तू है इधर, तू निकल, मैं तो अपनी जगह पे खड़ा हूँ। वेल ऐसे देखते देखते थोड़ा सा टाइम बीत गया और मेरी कार अभी तक नहीं आई, मैं थोड़ा सा डर गया था। अरे हाँ हाँ भाई, तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं देख कर आ रहा हूँ, यही कही होगी तेरे को गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा। यार भाई इतना देर कैसे हो गया, मेरी गाड़ी, एक मिनट, वो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। वेट वेट, ये मेरी गाड़ी पूरी जला दी गई है और यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले बंदे आ रखे हैं। गाइस मेरी गाड़ी जला दी है किसी ने, एक मिनट, ये कौन है? और अरे अरे अरे, अच्छा ये तो वही बंदा जिसने मेरे को वोट किया था। मैंने तुम्हारी गाड़ी बचाने की बहुत कोशिश करी पर उन्होंने मुझे भी मारा। अरे भाई किसने मारा तेरे को? अरे और कौन, रॉकी के पापा के भेजे हुए गुंडे थे। व्हाट, रॉकी के पापा किस हद तक गिर सकते हैं यार। चलो वो तो ठीक है, इस कार को मेरे को गिफ्ट दिया गया था, ठीक है, तो मेरे को एज अ गिफ्ट मिला था तो चल चल दी, लेकिन अगर ये कार मैंने ली होती अपने पैसे से, सेविंग वेविंग से गाइस, और उसके बाद ये कार किसी ने फोड़ दी होती तो मतलब मेरे को कैसा लगता। भाई यार रॉकी के पापा किस हद तक गिर सकते हैं। ओ शिट, अब मेरा क्या होगा? अरे यार मैंने सबको वादा किया था कि मैं कार चलाने दूंगा, अब क्या होगा? शिट, अरे एक मिनट, सारे बंदे गायब हो गए, ये क्या बात हुई? वो देखो तुम्हारा चूजा लीडर आर्यन आ गया, ये लूजर है लूजर, इसने भाड़े की गाड़ी लाई थी और तुम सबको टोपी पहना गया, ऐसा लीडर चूज करना है तुम्हें? इस चूजे को छोड़ो और वहां जाके मुझे वोट करो, क्योंकि मैं ही हूँ स्कूल का असली टोपीबाज, यही है स्कूल का असली टोपीबाज। ओए चूजे के चमकीले दागी, चल निकल इधर से। भाई यार ये रॉकी किस हद तक गिर सकता है। ओ रॉकी चल अपनी जगह पे जा भाई, कम से कम मेरी जगह तो छोड़, तेरे पापा ने मिलके मेरी कार को जला दी। ओए मेरे पापा के बारे में एक भी गलत शब्द बोला ना तो मैं तुझे छोड़ेगा नहीं, तू ऐसे भी मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा है भाई, चल कम से कम अपनी जगह पे तो जा। मैं जा रहा है लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। अरे भाई कोई वोट करने आ रहा है क्या? हाँ हाँ करो करो। तुझसे बड़ा झूठा नहीं देखा, कार चलाने की झूठी उम्मीद और आशा देता है और फिर धोखा। अरे बस इतना ही बोलने आया था। अरे यार क्या आदमी है गाइस, ये रॉकी ना मेरी पूरी की पूरी इमेज बिगाड़ दिया स्कूल में, एक तो ऐसे ही मेरे को ज्यादा लोग, अरे यार गत हो गई यार, इतने मुश्किल से वोट्स मिल रहे थे और आज आखिरी दिन है, सूरज भी डूब गया है, अरे यार कल काउंटिंग होगी, इस हिसाब से तो मैं वोट हार जाऊंगा। और फिर क्या गाइस, एक एक करके लोग रॉकी को वोट देने लगे और धीरे धीरे टाइम बीतने लगा, टाइम के साथ लोग भी वोट दे के घर आने लगे और अब फाइनली वोटिंग खत्म हो गई और अब अगले दिन होने वाली थी वोट्स की काउंटिंग एंड रिजल्ट। चलो कोई ना, अब क्या कर सकते हैं, घर चलते हैं भाई। मास्टर आप सैड मत हो भाई, आप जरूर जीतोगे। हाँ भाई ठीक है यार, चलो चलते हैं। वैसे भी अब क्या, अरे यार अभी इसका सामना नहीं कर पाऊंगा मैं यार, घर जान दो मेरे को। हे लूजर, हाउ यू फीलिंग टुडे? ओ सो सॉरी फॉर योर कार, इट वाज वेरी गुड। डू यू नो हु डिड दिस? हाँ मेरे को पता है किसने
किया, आप ही खड़े हो गए और क्या। पुअर गाय, दिस इज पुअर गाय, लेट्स गो। रे यार जान दो यार मेरे को, आप भी ना कुछ तो छोड़ दो, मतलब एक साइकिल भी नहीं है मेरे पास, अच्छी खासी कार थी मेरे पास, जला दी इन्होंने, और अब घर जाने के लिए साइकिल भी नहीं है। गाइस कल स्कूल आना है मेरे को, स्कूल कैसे आऊंगा। वेल ठीक है अभी घर जाते हैं, और घर जाके भी काफी सारे प्लानिंग करना है। एक मिनट, ये तो टॉम सर की गाड़ी है। व्हाट, अरे अरे टॉम सर, हाय सर, गुड इवनिंग। चलो बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे थैंक यू सर, वैसे कोई जरूरत नहीं थी पर थैंक्स एनीवे। वेल थैंक यू टॉम सर, आपने काफी अच्छी अच्छी बात भी बताई है मेरे को, श्योरली इससे मेरी कुछ ना कुछ तो मदद होगी। चलो ठीक है, बाय सर। गाइस फाइनली यार टॉम सर कितने अच्छे है, ऐसे ही बनना है मेरे को बड़ा होके। चलो इन्होंने मेरे को घर छोड़ दिया, और इन्होंने मुझे काफी मतलब अच्छे अच्छे चीजें बताई है, जिसके कारण मैं कल के लिए बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ। अभी फिलहाल कुछ भी बिना सोचे समझे वो बोले कि तू सो जा और सो के कल उठ और कल की सुबह अच्छी होगी, बस उन्होंने बोला और मैंने मान लिया। गाइस मैं चुपचाप सो रहा हूँ, अब कल की कल देख ही जाएगी भाई, आज दिन उतना अच्छा नहीं रहा, बट चलो सोते हैं। ओ एक नई सुबह, और हर अगले दिन की तरह आज भी एक सुहाना दिन लग रहा है, और इस सुहाने दिन पे एक लाइक तो बनता है गाइस। तो अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करो, एक लाइक तो बनता है गाइस। अब फिलहाल मैं चलता हूँ अपने स्कूल। एक मिनट, मैंने शेंचर और चॉप के बारे में तो सोचा ही नहीं, वो लोग कहाँ है भाई, शायद वो लोग भी स्कूल में ही तो मेरा वेट नहीं कर रहे। फिलहाल लंबा सफर है और मैं इसलिए आज सुबह जल्दी निकल रहा हूँ ताकि स्कूल तक टाइम पे पहुंचूं। ओ शिट, मुझे लगा मैं टाइम पे निकला हूं, बट मैं कुछ टाइम पे नहीं निकला हूं, मैं लेट हो चुका हूं स्कूल के लिए। मेरे को कम से कम अभी बहुत दूर जाना है, लेट हो जाऊंगा आज तो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है, और आप सबको बताया जाता है कि जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था आज ही वो दिन है। आप सबके बहुमूल्य वोट्स हमने अच्छे से गिन लिए हैं, और सारे वोट्स अच्छे से गिने जाने पर हम आज के दिन विजेता घोषित करने वाले हैं। मगर हमने सिर्फ और सिर्फ स्कूल के वोट्स ही गिने हैं, और अब हम कमेंट सेक्शन के वोट भी गिनने वाले हैं। ये रही हमारी टीवी, इसमें हम देखने वाले हैं। सर लेकिन अभी तक तो वो चूजा आया ही नहीं है, उसका वेट करना है कि नहीं। Who is this चूजा? I mean Aryan, सर वो आया ही नहीं है। Okay, we will wait for few seconds, और अगर वो नहीं आता है तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। आर्यन भाई कहाँ रह गए हो यार, इतने इम्पोर्टेंट दिन में कैसे लेट हो गई। अरे भाई ना उनके पास साइकिल है ना गाड़ी है, मास्टर तो लेट होंगे ही। ये भी बात है, लेकिन फिर भी टाइम पे आ जाओ। दोस्तों मुझे तो लगता है वो चूजा डर के मारे भाग गया है। चलो एक काम करो, आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो हम इस टीवी में YouTube कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माई वोट फॉर आर्यन, माई वोट गोज टू आर्यन, 10 मिलियन टाइम्स आई वोटेड फॉर आर्यन, लॉल। माई वोट फॉर आर्यन, आर्यन आर्यन, माई वोट फॉर आर्यन, आर्यन आर्यन, आर्यन आर्यन, आर्यन आर्यन, आर्यन आर्यन, आर्यन आर्यन। चल लगता है आप गलत चेक कर रहे, अच्छे से चेक करें, अच्छे से। रॉकी, रॉकी नाम भी होगा, सिर्फ आर्यन नहीं होगा सर, अच्छे से चेक करें। अच्छा रॉकी, ठीक है खोजने दो रॉकी, कोई ना कोई तो होगा। एक वोट मिला है, वोट टू रॉकी। आई मीन आर्यन ब्रो, ऑलवेज विथ यू। डैडी डैडी खुश तो खड़ो डैडी। इस प्यारे को बता भैया, कमेंट सेक्शन में इनके डैडी कुछ नहीं कर सकते है। गाइस बापरी, आप लोगों ने तो वोटों की बौछार ही कर दी। आर्यन भाई तो कुछ इतना पता नहीं है कहाँ फंस गए हैं यार, इतने इम्पोर्टेंट दिन में जाना, जॉब तू खोज कर ला दे। अरे नहीं नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई, इतना बढ़िया माहौल चल रहा है, इसे मिस थोड़ी करना है। मुझे ये लगता है कि शायद हमें अब और कमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम जितने वोट स्कूल में मिले हैं उसे गिन भी ले तो भी कमेंट सेक्शन के वोट इतने ज्यादा है कि दोनों वोट्स को गिनना बेवकूफी होगी, इसीलिए हमारे सामने हमारा विनर क्लियर है। विनर कोई और नहीं, आर्यन ही है। अरे बाप रे बाप, इतनी खुशी तो मैंने एक साथ जिंदगी में नहीं देखी है। कॉन्ग्रेट्स आर्यन। वेल पता नहीं है आर्यन आज इतने इम्पोर्टेंट दिन में कहाँ रह गया, लेकिन आज की असेंबली यही खत्म होती है। चलो अब मेरा तो जाने का समय हो गया है। प्रिंसिपल लिसन। अरे लॉकी क्या हो गया? वी नीड टू टॉक। अरे चलो मेरे घर चलो, बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। अरे बाप रे अभी पहुंचा हूं, पूरे घुटने में देखो मेरे पैंट गंदे हो गए हैं। एक मिनट भाई, सब चीख चिल्ला रहे और वहाँ पे रॉकी खड़ा है। व्हाट, रॉकी जीत तो नहीं गया? गाइस सीन थोड़ा सा गलत चल रहा है लगता है भाई, मेरे को एक बार अच्छे से चेक करने दो। ये देखो रॉकी खड़ा हुआ है और सब उसी के लिए चिल्ला रहे, वो जीत गया होगा। गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि घर निकल लेता हूँ चुपचाप। हार गए ठीक है, हार गए भाई, कल से नॉर्मल बच्चे के जैसे पढ़ लिख के घर जाएंगे। गाइस मैं धूम दबा के यहाँ से भाग रहा हूँ इससे पहले कि रॉकी देख ले। चलो चलो ओके। आर्यन कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स किस बात का कॉन्ग्रेट्स? वहाँ जाकर देख लो। ओके लगता है मेरे को जिता दिया गया। एक
मिनट रुको, एक मिनट रुको। गाइस सांसें तेज हो रही है, लेट्स सी कि क्या चल रहा है। मास्टर आ गए, मास्टर आप जीत गए हो। व्हाट, जीत गया हूँ मैं, कम ऑन लेट्स गो। और चूजे कैसा है? अरे माइक लगाए क्या, सॉरी। चूजे रॉकी कैसा है? ओए तू मुझे चूजे नहीं बोलेगा, मैं तुझे चूजे बोलूंगा। वेल स्कूल का सेक्रेटरी होने के नाते मैं जिसे जो चाहे बोल सकता हूँ, ठीक है। बाप रे इतनी सारी तालियां, थैंक यू। और मैं जीत कैसे गया? वो मैं आपको घर में अच्छी सी बताऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं वैसे इस मोमेंट में रहता हूँ। मास्टर अपनी विनिंग स्पीच तो दो, आपने कल प्रिपेयर करी थी मुझे पता है। अच्छा हाँ, वो स्पीच वैसे तो बहुत बेकार है, बट ठीक है कोई ना। तो ध्यान से सुनना, रॉकी का चूजा अब हो गया है बड़ा। रॉकी का चूजा अब हो चुका है बड़ा। रॉकी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने पापा के पैसों के कारण है खड़ा। कमेंट सेक्शन में मिले मुझे काफी सारे वोट एंड सपोर्ट, बहुत खूब। अगर तेरे पापा पे पैसा नहीं होता ना रॉकी, तो तू होता एक प्रॉपर नूब। लेकिन अभी भी मुझे पता है कि तुम्हारे पापा कुछ तो करने वाले हैं, लेकिन अभी अपन बन चुके सेक्रेटरी, वो भी स्कूल के, तो अब अपन डरने नहीं वाले हैं। बाकी टॉम सर ने भी किया है मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट, और यूट्यूब कमेंट से मुझे मिले इतने सारे वोट, और आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ धन्यवाद। और इस स्पीच को करते हैं अपन खत्म विद अ वेरी ग्रैंड बाय। अच्छा मास्टर आपने अपनी स्पीच में मुझे भी इंक्लूड किया, मतलब मैं नहीं करता तो वो अपना वाला टच कहा था। वेल गाइस थैंक यू, इतने सारे वोट्स के लिए अपन बन चुके फाइनली। स्कूल पे एक अच्छी खासी पोस्ट मिली है मेरे को वैसे। गुड मॉर्निंग सर। कांग्रेट्स आर्यन। थैंक यू सर, थैंक यू। आई विल सी यू। हां देखोगे क्या, अभी देख लो। वेल गाइस अभी हो चुका है अपने इधर से निकलने का टाइम, क्योंकि माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, तो अपन अभी थोड़ा सही जगह चलते हैं। लेटर दैट सेम नाइट। अरे नहीं लॉकी, ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, आर्यन को हमने सेक्रेटरी बनाया है, वो कुछ करेगा नहीं, मैं उस लड़के को जानता हूँ, ठीक ठाक बच्चा है, वो कुछ नहीं करेगा। No, you're not understanding. We need to do something about it. We need to make Rocky someone or something so that he could compete with Aryan. Otherwise, this Aryan, he will be problematic in future. अरे नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Okay, but you need to accept my offer. If Aryan is school secretary, then my son should be president. He should be president of our school. अरे क्या बोल रहे हो लोग, लगता है तुम्हारा गुस्सा अभी सर पे चढ़ गया, अभी सो जाओ, जब हम उठेंगे तब आराम से सोचेंगे। जाओ तुम अपने घर जाओ, मैं भी सोता हूँ। No, you need to listen. You are not listening. अरे यार लॉकी, तुम तो गुस्से में लग रहे हो, वो तो तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हारी सारी बात मान लेता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट मैं नहीं बना सकता, ये मेरा स्कूल है और यहाँ पे मेरे कुछ उसूल है। सबसे ज्यादा जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि हम तुम्हारे बेटे को क्लास मॉनिटर बना देते हैं, ठीक है। कम से कम क्लास के बाहर अगर आर्यन सेक्रेटरी रहा तो क्लास के अंदर तुम्हारा बेटा मॉनिटर रहेगा, चलेगा। ओके आई गेस वी कांट डू एनीथिंग मोर देन दैट। चलो ठीक है भैया, इसका गुस्सा तो शांत हुआ। अरे भाई मास्टर, अब आपकी जो स्कूल की ट्रॉफी है उसका थोड़ा अकेले छोड़ो, जब से आए हो सही घूरे जा रहे हो। अरे भाई इतने मुश्किल से ये ट्रॉफी मेरे हाथ लगी है, इतनी बड़ी वोटिंग हुई है मेरे लिए, उसके बाद अपन ने जीता, तो गाइस ये कप तो मिला और एक पोस्ट भी मिली है सेक्रेटरी की। लेकिन मैंने इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जीत गया, ठीक है, बट स्टिल आप में से कितने सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, लाइक लिटरली एज अ कांग्रेचुलेशन गिफ्ट आप लोग वो लाल बटन तो दबा सकते हो यार मेरे लिए, तो एक काम करो वो सब्सक्राइब का बटन दबाओ। मैं ये ट्रॉफी को देख के ना आज चैन की नींद सोने वाला हूँ। मास्टर लेट हो गया है, सो जाओ। हाँ मैं सो रहा हूँ, तुम लोग भी सो जाओ। चलो गुड नाइट, अब मिलते हैं कल सुबह आराम से सोने के बाद, द नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ तो तुम सारे कान खोल के सुन लो, अब से यहाँ का मॉनिटर मैं हूँ, आर्यन होगा, आई मीन वो चूजा होगा कहीं का सेक्रेटरी, लेकिन यहाँ का मॉनिटर मैं हूँ, क्लास में मेरी ही चलेगी, तुम लोग मान रहे हो ना मेरी बात? और अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा है तो अभी बता दो। अरे लेकिन तुमको तो पता है यार कि हमारा सेक्रेटरी आर्यन है, मतलब मॉनिटर से बड़ा सेक्रेटरी होता है, तो हम तो उसी की सुनेंगे भाई। ओए जाके बच्चे, तुझे लगता है पता नहीं है कि मैं कौन है? अरे मुझे पता है यार, तुम अपने डैडी के टुकड़ों पे पलने वाले चूजे हो। ओए जैके बच्चे ये ले, आजकल पता नहीं इन पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को कोई दिक्कत होगी, लेकिन अगर अभी भी दिक्कत है तो बाहर में जाओ, मैं तुम्हारी दिक्कत नहीं सॉल्व करूंगा, मैं हूँ मॉनिटर और सब मेरे भरोसे होगा यहाँ पे। नमस्ते बड़ा, नमस्ते। आलू गुंडा सस्ते, मॉनिटर अब से मैं है। यही होता है बड़ा, जब लंगूर के हाथ में अंगूर पकड़ा दो तो। अरे ठीक है मॉनिटर भैया, तू जाके बैठ जा। नहीं मैं नहीं बैठेगा, मॉनिटर मतलब यही पर रहता है मॉनिटर, वो अंदर नहीं बैठता है।
है। अरे बेटा तुम्हारे पापा इन्वेस्टमेंट किए इधर पे और कुछ नहीं, जाके बैठो चलो। वेल मे आई कम इन सर? अरे अंदर आओ बेटा अंदर आओ। हाय गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग। ओए चूजे तुझे पता है ना मैं क्लास मॉनिटर है। क्या क्लास मॉनिटर? ये ऐसा कुछ तो पहले कभी नहीं हुआ भाई। सुनना एक ही सबसे बड़ा है वो मैं हूँ, ठीक है? सेक्रेटरी बन गया जरा भाई, अब तू जाके बैठ जा और चूजे ना किसी और को बोलना है ना। ओए जब से तू सेक्रेटरी क्या बन गया है आजकल तू बहुत ज्यादा उड़ने लगा है चूजे। अब मैं मॉनिटर है तो क्लास में मेरी चलेगी। अच्छा ऐसा है क्या, क्लास में तेरी चलेगी? तो एक काम कर, आज हमारा मैथ्स का जो लेक्चर है वो तू ले ले। सर चलो अपन दोनों एक काम करते हैं, आखिरी बेंच पे बैठ जाते और इसका लेक्चर लेते हैं। अब क्लास मॉनिटर है तो पढ़ाना तो आना चाहिए। चलिए सर आइए। ठीक है बेटा चलो बैठ जाते हैं हम। अच्छा ठीक है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं मुझे पढ़ाना नहीं आता है लेकिन मैं फिर भी पढ़ाएगा, मैं कोशिश करेगा क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर है। गाइस ये क्लास मॉनिटर नहीं है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्लास मॉनिटर को पढ़ाना नहीं रहता है, इसको मैंने चूना लगा दिया है और समहाउ सर भी मेरे साथ आ गए थोड़े से। वेल अभी इसकी थोड़ी सी फिरकी लेते, मजा आने वाला है आज की क्लास में। अरे लौकी मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार मैंने बोल दिया कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ओके लेट्स सी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरे गुड मॉर्निंग सर। किसी को खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, सब आराम से पढ़ो। अरे रॉकी बेटा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर मैं यहाँ का क्लास मॉनिटर है तो आज मैं पढ़ा रहा है। अरे वेरी गुड बेटा वेरी गुड। चलो मैंने कहा था ना लौकी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। व्हाट व्हाई सन व्हाई आर यू टीचिंग? यू आर नॉट द टीचर। वेयर इज द टीचर? वेयर इज द टीचर? ओ शिट भाई रॉन्ग टाइमिंग हो गई, अब तो कुछ बवाल होने वाला है। अरे सर नमस्ते नमस्ते सर। अरे हटो आर्यन हटो बेटा। अरे नमस्ते सर नमस्ते। व्हाई आर यू नॉट टीचिंग? व्हाई वी हायर्ड यू इन द फर्स्ट प्लेस टू टीच एंड व्हाई आर यू नॉट टीचिंग? अरे सर मैं तो पढ़ा ही रहा था, ये आपका बेटा ही कहने लगा कि वो पढ़ाएगा तो मैंने बोला पढ़ा भाई। ओ सो दिस इज योर ट्रैप, दिस इज ऑल योर ट्रैप, कम आउटसाइड कम आउटसाइड। अरे भाई क्या सीन होने वाला है, उन लोग बाहर में क्या बात कर रहे हैं? यू आर नाउ फायर्ड, गेट आउट ऑफ हियर। ओ भाई क्या हो गया, एक बार देख कर आता हूँ। चलो चलो चलो। ओए चूजे तू आगे नहीं जा सकता, मैं क्लास मॉनिटर है, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा है क्या, अच्छा बता तेरी क्या बात है, सुनता हूँ मैं बता। होय चल जाके अपनी सीट में बैठ चूजे। हाँ ठीक है मैंने सुन ली तेरी बात, अब मैं जा रहा हूँ ठीक है चूजे। अरे अब क्या बताऊँ बेटा, दिन खराब चलता है तो कोई भी रास्ते में चलता हुआ कुत्ता काट देता है बेटा। चलो कोई ना, मेरा इतना ही दिन का सफर था, चलता होए वोटू, चल जा रहा हूँ मैं। अरे तो निकलना। हाँ निकल रहा हूँ बेटा, अब सर नहीं हूँ तो बेइज्जती कर रहे हो मेरी। ठीक है बेटा ठीक है। अरे वो रे सर सर। अरे नहीं सुनेंगे, नमस्ते सर नमस्ते। अरे नमस्ते बड़ा नमस्ते, कैसा हाल है? अरे मेरा तो बढ़िया ही है सर, क्या हो गया आप जा क्यों रहे हो? अरे मुझे निकाल दिया इन लोगों ने, मुझे निकाल दिया अपने जॉब से, अब तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा, दुखी मत होना मैं जा रहा हूँ। अरे सर रुको तो सर। व्हाट गाइस सर को ही निकाल दिया भाई, किस टाइप का कर रहे हैं यार अपने स्कूल वाले, कुछ ज्यादा ही हो रहा है बताए अभी इधर पे। चलो कोई ना नेक्स्ट क्लास का। अरे एक मिनट वहाँ गया, भीड़ है। ओके 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 प्रिंसिपल सर कुछ तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। भाई 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 सुन लेते, मैं काफी खुशी के साथ तुम सबको बता रहा हूँ कि हम जल्द ही एक स्कूल पिकनिक ट्रिप में जाने वाले हैं, और कल एंट्री फीस और अपनी डिटेल्स हमारे स्कूल के सेक्रेटरी आर्यन को दे देना सारे। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाय गाइस, अपन लोग स्कूल पिकनिक ट्रिप पे जाएंगे भाई। अगर सबसे बेस्ट कुछ होता है ना स्कूल लाइफ में तो भाई वो सबसे बेस्ट ही होता है कि स्कूल पिकनिक ट्रिप पे जाओ और सारे बच्चे आगे मेरे को ही देने वाले हैं स्कूल का पैसा एंड उनकी डिटेल्स, जो कि काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट काफी थोड़ी इंटरेस्टिंग और कूल सी है, मतलब थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है भाई इससे। चलो सब बढ़िया चल। अरे यार ओए चूजे, पैसे तुझे नहीं मुझे दिए जाएंगे, वैसे भी जिसको जिसकी जरूरत रहती है उसे ही पैसे देते हैं। ओए तू मुझे गरीब बोल रहा है चूजे? हाँ देख पैसे से तो नहीं पर अक्कल से तू गरीब रह गया भाई रॉकी, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अरे मार क्यों रहा है, पागल है गले क्या? अरे भाई मारने वाली कौन सी बात है, अरे पागल है क्या रॉकी, क्या कर रहा है भाई? अब मत मार मेरे को ठीक है, अब मेरी भी स्कूल में थोड़ी बहुत इज्जत है। ये ले गाइस अपना बहुत हो गया, ये ले बेटा ये ले ये ले ये भी ले ये ले ये भी ले आखिरी किक टड़े। ओ भाई लगता है ये लोग सब पिट के अरे तेरी कौन है तू ये? ओ सॉरी शिट हियर वी गो अगेन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।